हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल पे आप लोग को ऑनलाइन फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रही हूँ। तो आज मैं कुछ इस तरीके से सूट पहनी हूँ, सूट ब्लैक और वाइट में। तो उस सूट पे कैसे मेकअप किया जाता है, कैसा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहिए, तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल को भी जो है फॉलो करेंगे आप लोग। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और मैं ये जो आप लोग को बेसिक कोर्स करा रही हूँ उसमें ये जो है सिंपल सा सूट मेकअप है। तो आप इस मेकअप को रक्षाबंधन पे भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर पार्टी में जा रहे हैं अगर सूट पहन रहे हैं, या डेली सूट पहन के कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी इस सूट पे जो मेकअप मैं लुक शेयर कर रही हूँ आप घर पे कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। अगर आप घर पे हैं तो अपने फेस को फेस वॉश कर लीजिए, अगर घर पे नहीं हैं तो जो है वाइप से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद अपने फेस पे जो है टोनर फिल कर लीजिए ताकि आपके फेस पे अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके बाद जो है हमें क्या करना है, फेस पे फाउंडेशन लगाना है और जो है मॉइस्चराइजर लगाना है। तो मेरे पास ये स्विच ब्यूटी का जो है बेस प्राइमर है, इसमें प्राइमर और फाउंडेशन दोनों मिक्स है और मुझे अलग से कोई नीड नहीं है, इसमें सब मिक्स है। मुझे एक ही प्रोडक्ट रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा झंझट ना रहे इसीलिए मैं इसको ही ज़्यादा परचेस करती हूँ और बहुत ही अच्छा होता है, स्विच ब्यूटी का है ये। इसको भी थोड़े से फेस पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि आपके फेस में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करें तो कुछ टाइम का उनको जो है फेस में एब्जॉर्ब होने का टाइम दें, तुरंत तुरंत ना अप्लाई करें। और उसके बाद मेरे आँखों के नीचे काफ़ी डार्क सर्कल है, आप लोग देख सकते हैं नींद ना पूरा होने के वजह से, भाग दौड़ के वजह से। तो अगर आपके फेस पे भी अनइवन स्किन है आपके फेस पे या फिर आँखों के नीचे, तो आप ऑरेंज कलर का इस तरीके से कंसीलर यूज करेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ज़्यादातर फिंगर से ही आप इसको डैब डैब करके अप्लाई करेंगे और ब्लेंड कर देंगे, ब्यूटी ब्लेंडर का यूज ना करेंगे। फिंगर से काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाता है इसका और जो प्रोडक्ट है वहीं जहाँ लगाएं वहीं आपको ब्लेंड करना है, कहीं फैलाना नहीं है। तो देख सकते हैं दोनों आँखों में कितना अंतर हो चुका है ऑरेंज कलर कंसीलर अप्लाई करने से। तो इस तरीके से आप अगर आपके फेस पे है तो आप भी अनइवन स्किन को इवन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फेस पे जो डार्क सर्कल वगैरह ब्लैक अनइवन स्किन होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। मेरे आँखों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है तो मैं उसको भी हाइड कर रही हूँ ताकि हमारी आई मेकअप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होके दिखे। तो आप फिंगर से अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद जो है ये हमारे स्किन टोन का है एकदम, उसके बाद अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर मैंने अप्लाई किया था वहाँ वहाँ जो है अपने स्किन टोन का कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ तुरंत तुरंत थोपना नहीं है, इसको बहुत रगड़ना नहीं है या फैलाना नहीं है। अगर आप कहीं भी ऑरेंज कलर यूज कर रहे हैं उसके बाद उसके स्किन कलर का कंसीलर यूज कर रहे हैं तो आपको फिंगर से ही डैब डैब करके ब्लेंड करना है, ना कि उसको आपको रगड़ के फैलाना है। फैलाएंगे तो आपका जो बेस है अंदर जो आपने ऑरेंज कलर यूज किया था दोनों मिक्स हो जाएंगे और वो काफ़ी अजीब सा दिखेगा। तो आपको इस तरीके से फिर ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे फेस काफ़ी इवन हो चुके हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फेस पे जो हमारे स्किन से 1 से 2 टोन लाइट है फाउंडेशन उसको यूज़ करेंगे
आप जितना भी अपने फेस को एक से दो टोन लाइट करिए, ज़्यादा ना करें ताकि वो अजीब सा दिखने लगता है। मैं ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेकअप शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये देख सकते हैं मेरे स्किन से एक टोन सिर्फ लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, इसलिए मैं अपने फेस को बहुत ज़्यादा गोरा नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो देख सकते हैं मेरी स्किन टोन का ही है, ये एक टोन मुझसे लाइट है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लूँगी और अच्छे तरीके से इस तरीके से फेस पे फैलाने के बाद अब ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। तो कैमरे में थोड़ा सा ये फेस अजीब सा दिख रहा है, क्लियर बहुत जैसा रियल क्लियर नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेरे पार्लर में बहुत ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था मैंने नहीं किया है, बस दो से तीन लाइट जल रही है। मैं रिंग लाइट यूज़ नहीं करती हूँ, रियल जो मेरे पार्लर में लाइट है बस उसी में मैं मेकअप कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरे फेस इवन हो गया। उसके बाद मैं कंसीलर लूँगी अपने टोन से, दो टोन जो है लाइट, और अपने जितने हाइलाइटिंग एरिया है उसको हाइलाइटिंग करूँगी। जैसे हमारे नोज़ हुआ, आईज के नीचे जितने दबे हुए हिस्से हैं उनको जो है उभारने के लिए हमें हाइलाइटिंग करना होता है, उसको भी अच्छे तरीके से वहीं पे ब्लेंड करना होता है। थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट किया है क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, क्योंकि ब्लेंडिंग करने में टाइम लगता है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर दी हूँ कि आप लोग ऐसे ही पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं, तो काफ़ी लंबी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं होते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से जो है ब्लेंडिंग हो गया। अब उसके बाद अब सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो बेस है वो सेट हो जाए और कहीं से भी ज़्यादा ना लगे, अच्छी तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद जो है पाउडर यूज करेंगे हम, लूज पाउडर है ये, और आंखों के नीचे ब्लेंड करके ताकि हमारे जो क्रीज लाइन है वो अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद आप पाउडर अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपकी क्रीज लाइन फट जाती है। तो अपने फेस को पूरा लॉक करने के लिए, आपके फाउंडेशन को लॉक करने के लिए आपको लूज़ पाउडर बनाना पाउडर अप्लाई करना होता है, तो उसको ज़रूर करें, नहीं तो आपका बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। उसके बाद जितना भी स्ट्रब प्रोडक्ट है उसको मैं ब्रश से क्लियर कर ले रही हूँ अपने फेस को। तो देख सकते हैं मेरे फेस पे एक से दो टोन ही लाइट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, फिर भी कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, पर इतना रियल में नहीं था और काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ था। तो आपको सिंपल आई मेकअप मैं बता रही हूँ, मैंने ब्राउन नहीं है, एक जो है रेड महरूम में आता है उस तरीके का कलर है, गाजरी कलर आप बोल सकते हैं, लाइट गाजरी, उसको लेके मैंने पूरे अपने आई लीड पे फिल किया है, जितने इनर कॉर्नर से पूरा कंप्लीट, और उसके बाद जो है लास्ट वाला इनर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज किया है। मैं स्मोकी आई करने वाली थी पर मुझे लगा कि मेरे आंखों पे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने स्मोकी नहीं किया और यहाँ पे इनर कॉर्नर पे मैंने ब्राउन कलर यूज किया है। और मेरी आंखें थोड़ी सी नीचे की तरफ दबी हुई हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से मैंने स्किन को खींच के ब्लेंडिंग किया। और उसके बाद मैं इसी कलर गोल्डन कलर का जो है ग्लिटर लेके आंखों के मतलब जो आगे वाला इनर कॉर्नर है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे मेरे आई मेकअप। और बहुत ही सिंपल आई मेकअप मैंने किया है, कुछ भी तामझाम नहीं है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लाइनर जो कि ब्रश से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी लिक्विड लाइनर लाती हूँ सारे सूख जाते हैं और मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ये ब्रश से जो है लगा रही हूँ। लिक्विड लाइनर ये भी है पर इसको ब्रश से आपको यूज करना पड़ता है, मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, काफ़ी अच्छा है ये।
तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ऐसे तो मैंने बहुत सारे लाइनर शेयर किए हैं, पर इस वाले लाइनर में जो है ब्रश से आपको अपने हिसाब से लगाना होता है। मैं बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं रखूँगी, बहुत हल्का, और उसी से मैं अपने आईब्रो को भी ब्लेंडिंग करूँगी। मेरे आईब्रो बहुत ही हल्के हैं, पर हल्का सा ब्लेंडिंग करने के बाद फेस पे अच्छी तरीके से नज़र आते हैं, अगर नहीं करो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। बहुत ही लाइट मेरा आईब्रो है, तो देख सकते हैं इस तरीके से। आपको जब भी आईब्रो ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही बीच से आपको करना है, शुरुआती और लास्ट वाला जो एरिया है उसको आपको बाद में करना है, बीच में आपको ब्लेंडिंग शुरू करना है और जो आगे वाला भाग है उसको आपको लास्ट में करना है। उसके बाद मैं अपने इस पे जो है थोड़ा सा सिल्वर कलर का ग्लिटर यूज कर रही हूँ। बहुत ही कम मैंने यूज किया था, पर कम लग रहा था, थोड़ा सा मैं सोची कि चलिए और थोड़ा सा करते हैं ताकि फेस पे अच्छे से समझ में आए। तो अभी देखिए कुछ अच्छा लग रहा है, और उसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, जबकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की नीड नहीं है। फिर भी क्या है, मेकअप फाउंडेशन यूज करने के बाद जो हमारे फेस होते हैं वो वैसे ही जो है समझ में नहीं आते जितने फेस के जो कटिंग हैं, तो आपको हल्का सा कंटूरिंग जरूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत लाइटली कंटूरिंग की हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कंटूरिंग पसंद भी नहीं है। उसके बाद ब्लशर मैंने यूज किया पिंक कलर का, तो ब्लशर यूज किया मैंने पिंक कलर का और काफ़ी लाइट यूज की हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की हूँ। आई होप आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे क्लासेस को इंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। उसके बाद मैंने फेस पे हाइलाइटिंग किया, बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग भी मैं नहीं यूज की हूँ अपने फेस पे, क्योंकि जो भी वेस है जो दिखे नेचुरल एकदम दिखे, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फेस दिखने लगता है तो बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद स्विच ब्यूटी का ये लिप लाइनर है, इससे ही मैं अपने फेस मतलब आउटलाइन और दोनों को मैं अपने लिपस्टिक की जगह यही यूज करूँगी, लिपस्टिक नहीं यूज करूँगी। तो आई होप बताना कैसा लग रहा था आप लोगों को। तो मैं बहुत ही न्यूड मेकअप किया था इस बार, बाकी मैं जितने मेकअप की हूँ सब डार्क मेकअप की हूँ, लाइट मेकअप की हूँ, इसको मैं बहुत ही न्यूड मेकअप की हूँ। कैसा लग रहा है मेरे फेस पे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने छोटी सी बिंदी ऐड की और थोड़े से इयर रिंग्स वगैरह पहनूँगी, और मस्कारा मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ ताकि मेरे मेकअप में एकदम लास्ट वाला चांस बहुत ही अच्छा दिखे। मैं फेक लाइशेस नहीं यूज की हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिंपल मेकअप फेस लाइशेस की ज़रूरत नहीं होती है। आज मैं वाइट काजल फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ अपने आँखों में, ऐसे मैंने ब्राइडल को तो यूज किया है पर अपने आँखों में फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ कि देखती हूँ कैसा लगता है। मैंने सोचा चलिए आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। जब अगर आपकी आँखें छोटी हैं तो आप ज़रूर वाइट काजल लगाइए, क्योंकि मैं ब्लैक काजल लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे आँखों में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पहली बार वाइट काजल लगाया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लग रहा था। तो इस तरीके से कुछ मेरा फाइनल लुक है, मैंने कुछ सिंपल सा हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं बनाया है, बस क्लेचर लगा लिया था और मैंने कान में ये छोटा बड़ा बड़ा इयर रिंग्स डाल लिया था और पतला सा एक मंगलसूत्र पहना हुआ था। और फाइनल लुक इस तरीके से है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को इन्जॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।